हर हर महादेव मित्रों, जय माता की। आपका अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कब शुरू हो रहे हैं माता के गुप्त नवरात्रि, जाने संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, नियम, प्रक्रिया, करेंगे गुप्त उपाय एंड टोटके, बनेंगे सब बिगड़े काम, नौकरी, दुकान, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, व्यापार, बिजनेस, विदेश यात्रा, परिवार में सुख शांति, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ों से निजात पाने के लिए व अन्य सभी मनोकामना पूर्ति के लिए माँ को प्रसन्न करने के लिए इस गुप्त नवरात्रि क्या करें, इस वीडियो में जानेंगे। शक्ति की साधना के लिए नवरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। साल 2022 की पहली नवरात्रि कब पड़ेगी और क्या है इसका धार्मिक महत्व, सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि और उपायों को जानने के लिए जरूर देखें यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा में शक्ति की साधना का महापर्व नवरात्रि दो नहीं बल्कि चार बार आता है। हिंदी महीनों के अनुसार प्रथम चैत्र मास में पहली वास्तविक नवरात्रि, चौथे मास यानी कि आषाढ़ मास की दूसरी नवरात्रि, अश्विनी मास में तीसरी यानी शारदीय नवरात्रि और ग्यारहवें मास यानी माघ मास में चौथी नवरात्रि आती है। इसमें से माघ मास में पड़ने वाली नवरात्रि को माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ मास में पड़ने वाली को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। साल 2022 में पहली नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी 2 फरवरी 2022 को पड़ने जा रही है। तो आइए इसका धार्मिक महत्व एवं पूजन विधि के बारे में विस्तार से जानते हैं। गुप्त नवरात्रि का धार्मिक महत्व। नवरात्रि में जहां देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्तिका, माँ त्रिपुरा देवी, माँ दुर्मरा देवी और माँ बगला मुखी देवी, माँ तंगी व कमला माता देवी की साधना आराधना की जाती है। गुप्तम नवरात्रि में शक्ति की साधना को अत्यंत ही गोपनीय रूप से किया जाता है। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि की पूजा को जितनी ही गोपनीयता के साथ किया जाता है, साधक पर उतनी ही ज़्यादा देवी की कृपा बरसती रहती है। गुप्त नवरात्रि पूजा विधि नियम। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में भी देवी पूजा के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिनों तक सुबह शाम देवी की पूजा पाठ मंत्र जप आदि किया जाता है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए घट स्थापना का मुहूर्त 2 फरवरी 2022 को प्रातःकाल 7:09 से 8:31 के करना अत्यंत शुभ रहेगा। गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को लाल रंग के कपड़े में रखकर लाल रंग के वस्त्र या फिर लाल चुनरी आदि पहनाकर रखना चाहिए। इसके साथ एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोना चाहिए, जिसमें प्रतिदिन उचित मात्रा में जल का छिड़काव करते रहना होता है। इसके साथ ही मंगल कलश में गंगा जल, सिक्का आदि डालकर इसे शुभ मुहूर्त में आमर पल्लव और श्री फल रखकर स्थापित करें। इसके बाद फल फूल आदि को अर्पित करते हुए देवी की विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करें और अपनी विशेष मनोकामनाओं को मांगते हुए श्रद्धा और भाव से उनका ऐसे ही नियमित रूप से पूजन करते रहें। इसके बाद अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें पूड़ी, चना, हलवा आदि का प्रसाद खिलाकर कुछ दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर के उन्हें विदा करें। इसके बाद गुप्त नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात देवी दुर्गा की आरती गाएं। पूजा की समाप्ति के बाद कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जन करें और उसका जल अपने पूरे घर में छिड़काव करें। तो उसके उपरांत आप प्रसाद आदि लेकर के उस व्रत के समापन के बाद अपने घर में सुख शांति के लिए
नियमित रूप से ऐसे ही देवी की हर वर्ष पूजा करते रहें। गुप्त नवरात्रि की पूजा का एक विशेष उपाय, माघ मास की गुप्त नवरात्रि पर देवी दुर्गा की कृपा पाने के लिए साधक को शक्ति की साधना के 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। अगर आप यह दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो आप किसी उचित विद्वान ब्राह्मण को बुला करके अपने घर में यह दुर्गा सप्तशती का रोजाना एक पाठ अवश्य कराएं। जो लोग समय की कमी के कारण ऐसा नहीं कर सकते तो उनके लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ भी अत्यंत ही सरल एवं प्रभावशाली है। पूरी दुर्गा सप्तशती का फल सिर्फ एक सिद्ध कुंजिका से भी मिल सकता है। तो मित्रों, यह तो एक विशेष उपाय था। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कुंडली से किसी तरह का कोई दोष, ग्रह, पीड़ा, उसके निवारण का उपाय, तो आपके सामने दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और उपाय जान करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आगे भी आपके बीच ऐसी ही सनातन धर्म या ज्योतिष संबंधी जानकारियाँ लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माता की।